नमस्कार, मैं हूं सुखेंदु, कोलकाता वेस्ट बंगाल से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स। सो व्यूअर्स, दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी लोगों का फिर से और एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 इंच 2A कॉम्प्लीट स्पीकर बॉक्स। दोस्तों, इस 2A स्पीकर बॉक्स के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा साउंड सिस्टम रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है 10 इंच 2A कॉम्प्लीट स्पीकर बॉक्स। इस स्पीकर बॉक्स में लगे हुए स्पीकर्स, ट्विटर्स, नेटवर्क, क्रॉसओवर और खास करके इसकी कैबिनेट। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पार्ट पार्ट करके आप लोगों की समझने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्पीकर बॉक्स की कैबिनेट या एनक्लोजर्स के बारे में। दोस्तों, ये 2A स्पीकर बॉक्स की कैबिनेट बना हुआ है 18mm गुड क्वालिटी की MDF से, और इस कैबिनेट की बाहर में फिनिश्ड हुआ है विनाइल या PVC वॉलपेपर की माध्यम से। और ये स्पीकर बॉक्स मैं फिनिश्ड किया हूँ मैट ब्लैक PVC वॉलपेपर से। आप चाहे तो अपना पसंद का PVC वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। कैबिनेट अनफिनिश्ड अवस्था में कुछ इस टाइप का दिखता है। आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट की चारों साइड में पूरा 18mm MDF का ही काम हुआ है, और कैबिनेट के फ्रंट में जो छोटे छोटे छेद या दाग आप लोगों को शायद दिख रहा है वो स्क्रूप की छेद है, क्योंकि मैं मेरे कैबिनेट में हमेशा 2 इंच स्क्रूप का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कैबिनेट मजबूत होता है, परफेक्ट होता है, कोई एयर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है और कैबिनेट की लाइफ भी बहुत गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं मेरे कैबिनेट में पहले पिन से स्ट्रक्चर बना लेता हूं, उसके बाद हमेशा स्क्रूप का इस्तेमाल कर। रेडीमेड और हैंडमेड में दोस्तों ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फर्क आपको नजर आएगा, इसलिए दोस्तों क्वालिटी मैं हमेशा मेंटेन कर रहा हूं। तो आप चलिए स्पीकर बॉक्स की डायमेंशंस चेक कर लेते हैं। तो स्पीकर बॉक्स की लेंथ है 13 इंच, और इसकी विड्थ है 12 इंच, और इसकी हाइट है 20 इंच। और यहाँ पे स्वीटन कंपनी का 10 इंच का वूफर यूज होगा, तो उसके हिसाब से मैं यह कटिंग होल किया हूँ, और ऊपर एक 4 इंच का ट्विटर और एयर पाइप के लिए 3 इंच होल। तो दोस्तों, ये था स्पीकर बॉक्स की कैबिनेट की डिटेल्स। आप बात करते हैं इस स्पीकर बॉक्स में यूजिंग स्पीकर, ट्विटर और नेटवर्क क्रॉसओवर के बारे में। दोस्तों, मैं इस स्पीकर बॉक्स में यूज कर रहा हूँ स्वीटन कंपनी का ब्रांड न्यू 10 इंच 8 ओम्स 150 वाट डुअल मैग्नेट उफर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसे कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। और इस उफर की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उस वीडियोस में इस स्पीकर का फुल डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों, स्वीटन का सारा प्रोडक्ट्स मैं सेल करता हूँ, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। उफर्स, ट्विटर्स, फुल रेंज या नेटवर्क क्रॉसओवर, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। दोस्तों, आप बात करते हैं इस स्पीकर बॉक्स में यूजिंग ट्विटर्स के बारे में। दोस्तों, मैं इस स्पीकर बॉक्स में यूज कर रहा हूँ स्वीटन कंपनी का एक ब्रांड न्यू ट्विटर्स, जो कंपनी वालों ने न्यूली लॉन्च किया है। ये है 4 इंच 4 ओम्स 100 वाट PMPO एक पेपर कोन ट्विटर। इस ट्विटर की हाई फ्रिक्वेंसी आउटपुट काफी अच्छा है इसके प्राइस के हिसाब से। दोस्तों, आप बात करते हैं इस स्पीकर बॉक्स में यूजिंग नेटवर्क क्रॉसओवर के बारे में। यह है स्वीटन कंपनी की तरफ से 12 dB 100 वाट 2A नेटवर्क क्रॉसओवर। दोस्तों, एक स्पीकर बॉक्स में नेटवर्क क्रॉसओवर का काम होता है म्यूजिक फ्रिक्वेंसी को अलग करना और ट्विटर को प्रोटेक्शन करना, इसलिए हम लोग स्पीकर बॉक्स के अंदर नेटवर्क क्रॉसओवर का इस्तेमाल करते हैं। और ये नेटवर्क क्रॉसओवर प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करता है स्पीकर बॉक्स में। दोस्तों, ये स्पीकर बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए मैं सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ले लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं लिया हूँ डॉगी साउंड कंपनी की तरफ से 2 एयर पाइप, और उसके साथ स्वीटन कंपनी की तरफ से 10 इंच 150 वाट का 2 ऊफर, और 4 इंच स्वीटन कंपनी का ही 2 ट्विटर, और 100 वाट 12 dB का 2 नेटवर्क क्रॉसओवर वो भी स्वीटन कंपनी का। और स्पीकर टर्मिनल जो मैं स्पीकर बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ ये है डॉगी साउंड कंपनी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 2 स्पीकर टर्मिनल। तो दोस्तों, आप चलिए स्पीकर बॉक्स को कर लेते हैं कंप्लीट और करते हैं इसकी साउंड टेस्ट। फाइनली मैं ये 2 स्पीकर बॉक्स कंप्लीट कर चुका हूँ, और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये 2 स्पीकर बॉक्स कैसा लगा, और ऑर्डर करने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी के साथ आप लोगों को ये 2 स्पीकर बॉक्स मिल जाएगा। और दोस्तों, ये स्पीकर बॉक्स चलाने के लिए एक एम्पलीफायर की भी जरूरत पड़ती है, वो एम्पलीफायर भी मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे भी ले सकते हैं। और जिस एम्पलीफायर की मैं बात कर रहा हूँ वो एम्पलीफायर इस वीडियो की एंड में साउंड टेस्ट वीडियो में आपको नजर आएगा।
मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए दोस्तों, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप चलिए करते हैं स्पीकर बॉक्स का साउंड टेस्ट, और वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।